जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी चैनल में। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो ये दोनों काम आप अभी कर दीजिए ताकि म्यूजिक से रिलेटेड सभी वीडियोस आपके पास आ सकें। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो भजन है राम जी का, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे हारमोनियम पर। ठीक है, सबसे पहले इस भजन के लिए मेरी स्केल है एफ शार्प, जो ये गाना है वो मेजर स्केल में है, तो एफ शार्प को मैंने सा माना। ठीक है, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प ध नी सा, सा नी ध नी सा नी ध सा नी ध प ध नी सा। राम नाम अति मीठा है, सा रे ग म। ठीक है, जो भजन उठेगा वो उस स्केल के ग से उठेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने एफ शार्प को सा माना है तो उसका ग क्या हुआ, जो ए शार्प नोट है वो। राम नाम अति मीठा है, गा 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 म गरे मगगा। राम नाम अति मीठा है। ठीक है दोस्तों, कोई गा के देख ले। तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो जिसका नाम रियाज ऐप है, और आप इस पर कई सारे तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे बॉलीवुड म्यूजिक हुआ, कर्नाटक म्यूजिक हुआ और अपना क्लासिकल म्यूजिक हुआ, और साथ में आपको ये लोग इसमें गाइड भी करते रहेंगे। इसमें वीडियोस हैं काफ़ी लोगों की जो आपको कंटिन्यूस गाइड करते रहते हैं। लिंक मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस रखिए ताकि आपको एक मॉनिटर करने के लिए कोई आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कॉर्ड ले सकते हैं एफ शार्प मेजर, सी शार्प मेजर। ठीक है दोस्तों, जो भी स्केल है आपकी, अगर स्केल चेंज करते हैं तो उसको चेंज करने के अकॉर्डिंग जो कॉर्ड्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राम नाम इतना हुआ। इसके बाद आ जाते आपको फिर जंप करना है सा से प नोट पर, कोई बुला के देख ले सा सा पा पा परे मा गा गा मा गा रे सा। ठीक है दोस्तों, ये इसका मुखड़ा हुआ। एक बार हम पूरा मुखड़ा एक साथ लेते हैं ताकि थोड़ा आपको आइडिया लगे। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के के बाद बीच में कड़ी आती है, राम राम जय राम 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 जय राम राम गा 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 मा गा रे रे नी 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 धनी सा सा सा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये मुखड़ा आप ले सकते हैं। इसके बाद जो इसका अंतरा है, इसमें तीन या चार अंतरे हैं तो सभी की कंपोजिशन जो है वो सेम है, तो मैं एक अंतरे की आपको कंपोजिशन बता देता हूँ नोट्स, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बाकी नोट्स भी फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात ये कि आपको नोटेशंस रटने नहीं है कतई भी, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ,
जो आपको फॉलो करना है, जो नियम आपको फॉलो करने हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं जाके। सबसे पहले आपको स्वर का पता लगाना है कि स्वर उतर रहा है या फिर स्वर चढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। उस तरीके से आपको गाना धीरे धीरे कवर करते जाना है। अब आते हैं हम इसके अंतरे पर। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। नी नी धानी सा 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 गा गा गगरे ग, सॉरी, गा 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 गरे गरे सा सारे। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए। जिस मन में अभिमान भरा मामा मामा रे मरे सानी नी सानी धानी सा सा भगवान कहां से आए। एक बार पूरा लेते हैं हम फिर से। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन। शीश झुके हर लेते हैं पापा पापा धनी धा पापा। अब यहां पे दोस्तों नी कोमल प्रयोग होगा। शीश झुके हर लेते हैं झुका के देख ले पापा परी मा गगा मगरे सा। उसके बाद फिर से जो ओरिजिनल कंपोजिशन है उसमें रिपीट हो जाएगा। एक बार हम फिर से लेते हैं जो हाई वाला पार्ट है। शीश झुके हर लेते हैं झुका के देख ले राम नाम तेरी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम मिलते हैं जल्द ही। जो भी आप पूछना चाहते हैं या फिर जिस वीडियो आपको आप बनवाना चाहते हैं उसको आप कमेंट करके बताइए यूट्यूब पर, ताकि मुझे पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।